गाइस टेक्निकल भानु जी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2A सिटिंग में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो क्या आप ट्रेवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप लोग ट्रेन की टिकट लेने जाते हो काउंटर में तो अभी इस वक्त करंट में टिकट नहीं मिल रही है, आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन ही करवाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हो तो ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ स्टेशनों में अभी टिकट मिलना चालू हो गई है, बट यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जहाँ जहाँ पे आपको टिकट नहीं मिल रही तो वहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। तो अगर आपके पास टिकट नहीं है और आपको जाना ही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको इमरजेंसी जाना, तो आप TT से बात करके ही बैठिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत बैठ जाइए लोकल डब्बे में। अदरवाइज़ होगा ये कि आपके पास टिकट नहीं होगी तो आपको ज़बरदस्ती का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ में आपको जो सज़ा होगी वो अलग। तो इसलिए आप ये कीजिए कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी तो आप TT से बात कीजिए, वो जो भी फ़ाइन होगा वो आप दे दीजिए उनको और फिर आप ट्रेवल कीजिए। तो बात करने से अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाई लोकल डब्बा है तो मैं मानता हूँ कई लोग उसमें ऐसे ही बैठ जाते हैं और पहुँच भी जाते हैं कई बार विदाउट टिकट भी, बट आपको ऐसा नहीं करना है। रही बात अगर आपको 2A सीट में अगर आपको वेटिंग टिकट मिलती है तो आप वेटिंग टिकट से भी ट्रेवल कर सकते हो, बट वो वेटिंग टिकट काउंटर से ली गई होगी तो ही। अगर आपने वो वेटिंग टिकट कहीं ऑनलाइन शॉप से कटवाई होगी तो आप उसे ट्रेवल नहीं कर पाओगे। वेटिंग टिकट अगर आप चाहो तो ले लो काउंटर से, अगर मिल रही है तो वेटिंग टिकट से आप कम से कम ट्रेन में चढ़ सकते हो कहीं, क्योंकि जनरल डब्बा है तो कोई मना नहीं करता है, इजीली आप कहीं पर भी थोड़ा बहुत खसका खुसकू के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों अभी के लिए अगर आपको कुछ पूछना हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए टेक केयर, बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अभी के लिए बाय, टेक केयर।